टोटल 40,000 रुपया जो कि विजेता टीम का जो प्राइज मनी है इससे सम्मानित करेंगे हमारे हिरणपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि माननीय यहाँ पर जीवलाल मुर्मू जी, उनके हाथों से यह प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। टोटल 40,000 रुपया का नगद इनामी राशि टोटल 40,000 टका उप विजेता टीम ना प्राइज मनी का नाम वकील हिरणपुर प्रखंड प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के जीवलाल मुर्मू। हेलो एकदम जोरदार था तो सराव का नुकू आई बाई मा सराव वकील दबुल सराव या एंटे नुनो सुंदर टीम में सजाव सपराव की रात के ही नुने रनर पेता है ना। और मैं यही कहूंगा वकील दा के लिए कि आप अगर यहाँ पर अपना टीम लाए और अपना टीम जो है यहाँ रनर अप ही नहीं बल्कि आप विनर बने। और बेरोजगार के जो मैनेजर है शायद यहाँ पर साइलेंट जी है और उनके साथी होंगे, जल्दी आ जाए सामने। बेरोजगार टीम मुका दो लगातार नुको दो 5 छोर नुआ ग्राउंड रहे लगातार कुछ जीतो है कदा आर नेसो हो नुआ 5वां साल मैदान में जीतो कदे नुको दो लगातार रिकॉर्ड को बनाओ कदा टोटल 5 साल नुआ ग्राउंड रहे लगातार कुछ जीतो कदा आर विलेन को बनाओ कदा विजेता टीम को घोषित कदा सुनो मान स्टार टीम यही ये सम्मानित चुना ढूंढा बैठा विनर टीम ना का पांच बनी के टोटल 50,000 टका दे आबुरन ओपन वा टूर्नामेंट में नेता अशोकन चीफ गेस्ट रूप में विशिष्ट अतिथि रूप में है सेना है हिरणपुर थानको नाबुरन थाना प्रभारी मनोतन अपन कुमार मिक्सर उन्हें आप सुनो तीते नवा टूर्नामेंट ना पहली प्राइज टोटल 50,000 तक आई चाल चुवा। और ये प्राइज मनी हमारे जो है थाना प्रभारी हिरणपुर हमारे अमर कुमार मिश्र के द्वारा ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। इस टूर्नामेंट का विनर प्राइज विजेता टीम को मिलेगी टोटल 50,000 रुपया का नगद अमाउंट। और एक बार जोरदार क्लैप होना चाहिए इसके लिए क्योंकि उन्होंने ये कायम कर दिया है कि इस ग्राउंड पर लगातार 5 वर्ष विनर बने हैं विजेता टीम बने हैं। ये वो प्रथम टीम है जो कि लगातार 5 साल यहाँ पर विजेता टीम बनी है इतिहास के पन्ने पर। मैं यही कहूंगा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग ने किसी पे हंसा है तब तब इतिहास उसी ने रचा है तो वही इतिहास रचने वाली टीम है बेरोजगार टीम। आज तक जितने हमारे दर्शक जितने ऑडियंस यहाँ पर शरीक हुए आप सबों का सहयोग आप सबों का प्यार इस टूर्नामेंट में बरकरार हमको देखने को मिला और आप सबों के सहयोग से ये टूर्नामेंट बहुत ही सुचारू ढंग से संपन्न हुआ सफल हुआ इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र रहेंगे।